अरे बैठो। नहीं, वो मुझे वहां से, मैं जानता हूं तुम्हें वहां से क्या चाहिए। बैठो बैठो बैठो, ये लो अच्छे से लगा लो ताकि स्किन ड्राई ना रहे। अरे एक चीज तो भूल ही गया। क्या अभी? क्या एक आ रहा हूं, एक मिनट। अमन दूध क्यों? आपको पता है मैं रात को दूध पी के नहीं सोती हूँ। लेकिन अब से तुम रोज दूध पी कर सो। नो रमन, नो प्लीज नो। ये हमारे होने वाले बेबी के लिए तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जानती हो ना, इस बेबी के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर बरतनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लापरवाही हो। और वैसे भी डॉक्टर मनोज से बात हुई है, ये सब करना जरूरी है। और इसलिए आज के बाद ना क्लिनिक का टेंशन, ना काम का, तुमसे आराम करूंगी। पकड़ो ये। मुरुगन, कुछ भी हो जाए, प्लीज रमन के खातिर हमारे बच्चे को आप हमेशा सुरक्षित रखना। मैं रमन को ये खुशी देना चाहती हूँ। हेलो, चलो दूध पियो। आज के बाद कोई काम नहीं, सिर्फ आराम। ओके, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ रमन, इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? जानता हूँ पेशेंट नहीं, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे की माँ तो हूँ, तो पापा कुछ तो फर्ज बनता है। दूध पियो, खत्म कर। All right. चलो सो जाओ। सो रही हूँ। चलो चलो सो जाओ। सो रही हूँ रमन, आप इतनी मेहनत मत करो। अरे चुप करो, चलो आप भी सो जाओ। चलो पहले तुम सो जाओ। जब बेबी और मम्मी दोनों ठीक होंगे, मैं यहाँ टिक मार्क करूंगा ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और ये बेबी अच्छी तरह डिलीवर हो जाए। कितना एलैबोरेट काम किया आपने। करना तो पड़ेगा, आखिर एलैबोरेट प्रोसीजर भी था। चलो आ जाओ, तुम रेडी हो के आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा हूं। क्या ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तुम्हारे कपड़े रख दिए, गीजर ऑन है, प्लीज ठंडे पानी से मत नहाना। लेकिन आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैं घर से काम करूं। तुम जाओ, रेडी हो जाओ। रुमी, तेरी खबर पक्की है ना? हाँ मम्मी जी, मैंने इंटरनेट पे खुद पढ़ा है, बेबी वायरस नाम की बीमारी नहीं होती। एक मिनट, रमन ये मीठा वाला है क्या? हाँ। मैं चिप्स खाऊंगी, मीठा वाला नहीं। चिप्स भी है, नीलो भाभी को चिप्स दे। नहीं नहीं, वो फ्राइड वाले नहीं, बेक वाले, अवन से निकाल, हेल्दी होते हैं। ओए होए, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है बीवी का, आज तक करते होश नहीं होता सी किचन दा, आज हर गल दा पता है। माँ इसे हेल्थ फूड कहते हैं, इंटरनेट पे पढ़ा है मैंने, और जरूरी होता है सब सेहत के लिए। अरे जान है तो जान है यार, बेबी वायरस में तो खास करके ध्यान रखना पड़ता है औरतों का, है ना? बताओ यार तुमको। रमन,
ओवर हो रहा, कम करो। माँ अपनी बहू को समझाओ यार, सेहत पे ध्यान दे। इसका ध्यान देना तो पता नहीं क्या नाटक करे जा रही। खाओ यार, ढंग से खाओ, माँ समझाओ। हाँ हाँ पुत्र, वायरस हुआ है तूने, बेबी वायरस, समझ जा समझ जा। हेलो, नहीं वो पेपर्स घर पे भेज दो, आज मैं घर पे हूँ, यही साइन कर दूँ। और सारी का पुत्र, मैंने जरा समदन के साथ ना अमर कॉलोनी तक जाना है, तो बच्चा नु मैं छोड़ देंगे। क्यों वो इशिता? बच्चों को छोड़ के मैं इस इशिता के डॉक्टर से मिलती हूँ, जरा पता तो लगावा कि इस बेबी वायरस की असलियत की है। बाला तुमने घर का स्टेटस चेक किया क्या? और कितने दिन लगेंगे रीडेवलपमेंट में? मैं साइट पर गया था लेकिन बिल्डर से मुलाकात नहीं हो पाई, और जिस स्पीड में काम चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ जा रही हो? बैठो ना थोड़ी देर। अरे शबू भी घर पे नहीं है, शितिजा भी सो रही है, बात करते हैं ना थोड़ी देर। यही तो बेस्ट टाइम है बाला, सारे काम मैं अभी कर सकती हूँ। जब से वो बॉर्न हुई है ना, मैं पार्लर ही नहीं गई हूँ, नीचे है पार्लर, मैं फटाफट जाकर आती हूँ। प्लीज हाँ, तुम शितिजा को संभाल लेना थोड़ी देर प्लीज। आप चलते चलते चेन्नई जाओगी? क्या कर रही हो? अमन कितना खाया है मैंने, इतना सारा ब्रेकफास्ट, फिर इतने सारे चिप्स, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने वेट पुट ऑन कर लिया होगा अब तक में। मैंने जाके वेंग्स के लिए देखा। मैं ले आता हूँ, तुम बैठो। वेंग्स के मैं ले आता हूँ ना, यहीं रहो और कुछ काम मत करना। मैं वॉक कर रही हूँ बस। मद्रासन को अगर पता चल गया ना कि इसका 100 ग्राम भी बढ़ गया तो खाना बंद कर देगी। वेइंग मशीन को एडजस्ट करता हूँ ताकि वेट कम ही दिखे इसका। लो चेक करो। श्योर मेरा वेट पुट ऑन हुआ है। ये क्या है? वाओ, मेरा तो पिछले हफ्ते से 1 किलो वजन कम हो गया है। सुपर ना? क्या कहा तुमने? वजन कम हो गया? हाँ। This is not good। वजन बढ़ना चाहिए। या अब से ना तुमसे हेल्दी खाना खाओगी और वजन बढ़ाओगी अपना, अपने लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए। आयुर्वेदा के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को देसी घी और कच्चा नारियल खाना चाहिए। खाना खाओगी तो वजन बढ़ेगा, बेबी के लिए अच्छा होता है, हेल्दी बेबी होगा, डिलीवरी टाइम भी होगी। तुम समझ रही हो क्या क्या कर रही हो? कितने क्यूट हो गए। हेलो, ये चिचोरी हरकत करके टॉपिक में चेंज करो, समझी तुम? अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ओके, हैप्पी? कॉफी भी होगी? मैं आता हूँ। अच्छा रमन, मुझे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि अम्मा को बताऊँ क्या। एक्चुअली आपको पता है ना, अम्मा हमेशा से कितनी एक्साइटेड रही हैं कि मेरी शादी टाइम पे हो जाए, शादी हुई तो बेबी हो जाए। आप जानते हो कि अगर मैंने उन्हें बताया तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें होगी। यार तुम्हें क्या लगता है, मैं भी तो खुशी सबको शेयर करना चाहता हूँ, अम्मा के साथ, मम्मी के साथ। लेकिन डॉक्टर मनोज ने एक वजह से कहा ना किसी को नहीं बताने की, एक बार उन्हें तसल्ली हो जाए बता देंगे सबको। कॉफी। ला रूमा सांदोज अमेरिका, माया जी इतनी खुश है, इधर बाहर मेरा ये स्माइल करना बंद ही नहीं हो रहा है। ओ तू स्माइल करना बंद ना कर यार, इतनी बड़ी खबर है, असी ते छलांगे भी मारी है ना, ता भी काम है। स्माइल कर दी रहे, हंसती रहे, मैं तेरा मुंह मीठा करानी हूं। और देख यार, मैंने तेनु की बोला सी कि ये दोनों ना हमसे कुछ छुपा रहे, हुन ते पता लग गया ना की छुपा रहे सी। मुबारक होए, मुबारक। मैं ईशु से बहुत गुस्सा है, उसने हमको कुछ नहीं बोला। यार तूने सुना नहीं डॉक्टर ने की क्या सी? डॉक्टर ने कहा था किसी को कुछ नहीं बताना है, खुद रमन को और ऋषिता को मना किया था डॉक्टर ने किसी को बताने से, तो वो तो अभी भी नहीं बताता अगर मैं उसे डराती धमकाती नहीं और तू उसे जज्बाती ब्लैकमेल ना करती तो। पर यार संदन बात सुन, मुन्ना सानू बड़ा ध्यान रखना है। तुझे पता है ना, तू सुना सी ना कि डॉक्टर ने बोला है कि ए प्रेगनेंसी ना बड़ी रिस्की प्रेगनेंसी है, थोड़ी सी लापरवाही ना बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा कम नहीं करना, उसकी तो आदत है भागते दौड़ती रहती है ना, हमने उसे रोकना है, तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, उन्हें फुल आराम की जरूरत है। जहरी, जहरी, जहरी। और उन्हें मतलब संतोषी, तुम ब्रेकफास्ट बनाओ उसके लिए, मैं उसके लिए लंच बनाती, ठीक, और फिर डिनर कभी तुम कभी मैं, ठीक। तो ईशु को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना मिलेगा। अम्मा, अच्छा मैं? आजा आजा।
बैठी बैठी प्लीज। थैंक यू वॉचमैन, दरवाजा बंद कर देना प्लीज। अम्मा आप ये इतने सारे बैग्स किस लिए? अरे मैं लंदन जा रही हूँ। अम्मा लंदन पर अब तो हम है ना यहाँ पे, और क्षितिजा भी है। क्षितिजा के नामकरण के लिए तो रुकी थी, नहीं तो कब की चली जाती। क्या है वहां से सुबह का बार बार फोन आ रहा है, अम्मा आ जाओ अम्मा आ जाओ। अकेला है जाना चाहिए ना, इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन बाला मुझे लगता है बैग का वेट ज्यादा हो गया है, और अगर ज्यादा वेट होगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे बैगेज के, है ना? अम्मा सबसे पहले मैं आपके बैग्स का वेट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक है, सुबह ही भाभी ने इससे वजन किया था, ठीक ही होगी। थैंक यू। माँ ये तो टोटल वेट मिलाकर 15 केजी से बन रहा है, जो कि अलाउड वेट अलाउंस से 5 किलो कम है। ओ, मतलब एक्स्ट्रा सामान ले सकते हो। हाँ। बाला एक काम कर, तू है ना मार्केट जा और कुछ स्वीट्स लेके आ। तुम्हें तो पता है सुबू को स्वीट्स कितना पसंद है, और वो भी दिल्ली का अपना फेमस डोडा लेके आना, और उसको बोलना फ्रेश और अच्छा देना, और पैकिंग भी अच्छा करना, क्योंकि लंदन लेके जाना है। ठीक है अम्मा, फिर आप एक काम करना, आप क्षितिजा के पास जाके बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर में बंदू ऊपर आ जाएगी। हाँ उसकी चिंता तू मत कर, मैं देखती हूँ। ये मैं बैग्स को इधर रख देता हूँ, और ये वेइंग मशीन को। यार लगे हाथ मैं भी अपना वेट चेक कर लेता हूँ, तो आजकल थोड़ा सा फीलिंग लिटिल मेरा वेट 1 किलो कम कैसे हो गया? इसीलिए मैं सोचूं कि मैं क्यों इतना फटीग्ड और स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा हूं। माय गुडनेस, लेकिन मेरा वेट कम कैसे हो गया? वाला फंदू के पास तो टाइम है नहीं तुम्हारी टेक केयर करने का, अब तो तुम्हें अपना ध्यान बेटा खुद ही रखना पड़ेगा। भैया इतना घी मत लगाओ, भाभी इतना घी नहीं खाती है। तू चुप कर, तेरी भाभी को बाद से इतना ही घी खाना पड़ेगा, बीबी वायरस हुआ है। मां बेबी वायरस, मैंने लगता है कि रमन भी ना इशिता के लिए पनीर के पराठे बना रहा है। अच्छा अम्मा मम्मी जी वहां क्या कर रहे हो आप लोग? ओ इशिता पुत्र, रमन उगी हो गया, आज दफ्तर भी नहीं गया, थे किचन में लगा हुआ है। अरे नहीं आइए, वो एक्चुअली आपके बहुत प्यार आ रहा है ना, इसीलिए वो आपके लिए कुकिंग कर रहे हैं। पराठे बनाए थे। अच्छा हाँ, खाइए आप लोग। तुम क्यों भूखी मरोगी, तुम भी खाई लो थोड़ा सा, पनीर के भी बने। एक्चुअली बनाया आप ही लोग के लिए खास, पर वो बोल रहे हैं, बोलने में शर्मा रहे हैं। आप लोग शुरू कीजिए, ये लीजिए। शेप थोड़े से गड़बड़ है, पर टेस्ट कैसा है वो बताइए। पिछला खाओ। हाँ। यम्मी है रब, है ना? आप इतने अच्छे कुको, सीरियसली वेरी नाइस। सुना आप लोग बताओ ना कैसा लगा? खुशबू तो चंगी है भाई। माँ अच्छा है ना? बहुत चंगे, बढ़िया। सारे पराठे खत्म करने हैं आप लोग का। गुड गुड। तू हट, मैंने कहा ना कुछ मत कर तू। ओए पूरा कैसे खत्म करेंगे, रमन ने पराठे में नमक तो डाला ही नहीं है। इसमें नमक नहीं है तो क्या हुआ रमन, इतने प्यार से बनाया है आपने, ये दुनिया के बेस्ट पराठे हैं। फैमिली पैक दे दो, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए प्लीज। तो पहले कितना हेल्थ कॉन्शियस हुआ करता था यार, शुगर तो छोड़ो कार्ब्स भी कैलकुलेटेड खाता था, और अब देखो ये पूरी की पूरी ब्रेक ऑर्डर कर लिया तूने। क्या फायदा बॉडी बनाने का,
मैं ये सब करता था क्योंकि मेरी बीवी को टोन बॉडी अच्छी लगती थी। अब उसने मेरी तरफ तो देखना नहीं। ऐसा क्यों? क्या बताऊं यार तुझे, जब से ये दूसरा बच्चा हुआ है ना, उसकी लाइफ पूरी तरह पैक हो गई। उसने मेरी तरफ बिल्कुल देखना नहीं, कोई टाइम नहीं है। मैं कहाँ आता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ और क्या पहनता हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो वो बच्चों को संभालने में बिजी रहती है या फिर नींद ना होने की वजह से चिढ़ती रहती है। तो सच बताओ, पिछले 3 महीने में ना हम एक बार भी घूमने नहीं गए। बाहर हमारी लाइफ में यार रोमांस बिल्कुल खत्म हो गया। तो तुझे लगता है ये सोल्यूशन है? यहाँ बैठ के ये ब्रिक्स ऑर्डर करेगा, इससे तुझे सोल्यूशन मिल जाएगा? अरे तू कुछ करना है यार, कुछ करता क्यों नहीं है? क्या करूं? तू एक काम कर, पुरानी फिल्में देख, वहां से तुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। अरे उसमें बहुत रोमांस दिखाया, राजेश खन्ना किंग ऑफ रोमांस, ऐसी थोड़ी बोला जाता था उन्हें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तेरी शादीशुदा लाइफ में ना स्पार्क लाने की जरूरत है। तुम इसे ले लो ना प्लीज, आई एम वेरी टायर्ड। मैं माला दो मिनट रुको ना, इसको संभालो, मैं इसका दूध लेकर आती हूं। बात करते हैं ना थोड़ी देर। ये तो बेस्ट टाइम है, जब से वो बॉर्न हुई है ना, मैं पार्लर ही नहीं गई हूं। मैं फटाफट जाकर आती हूं, प्लीज। हां आइसक्रीम खा। अरे बाप रे, ये सीपी अभिषेक तो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी अपनी मैरिड लाइफ को स्पाइस अप करने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत मुझे 70s की फिल्म से करनी चाहिए। I'm very sure, वहां से मुझे कोई ना कोई स्पाइसी तरीका, स्पाइसी आइडिया, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हेलो। अच्छा सुनो, आज तुम घर जल्दी आ जाना, एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है सारिका? सरप्राइज है, घर आके देख लेना ना। चलो ठीक है, मुझे दो जगह और जाना लैपटॉप रिपेयर करने, मैं रिपेयर करके सीधा घर आता हूँ। ओके हाँ ठीक है। कल रोमी ने मुझे मेरे फेवरेट फूल देकर सरप्राइज किया था ना, आज मैं उसके फेवरेट ब्रेड पकौड़े देकर उसको सरप्राइज करूंगी, बहुत खुश हो जाएगा वो। नीलू चाय ले आ मेरे लिए, अभी लेके आई मम्मी जी। ओ नीलू चाय तो मैं भी पियूंगा, मिलने भी बना ले। आजा भला जी आजा, चंगे टाइम पे आ गए। अरे पकौड़े बनाए क्या? बड़ी खुशबू आ रही है। खुशबू से ही भूख बढ़ गई एकदम। चलो खाओ, ले आ भाई छेती चा, ले आ और मजा आएगा चादा। भाभी आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं मैं खुद बना लूंगी, रोमी भी अभी आते होंगे। अरे पकौड़े का पैकेट कहाँ गया? नीलू यहाँ पर पकौड़े का पैकेट रखा था, देखा क्या तुमने? हाँ भाभी वो खाली हो गया तो मैंने फेंक दिया। खाली? खाली नहीं, लेकिन उसमें पकौड़े थे। हाँ भाभी पकौड़े थे, मम्मी जी ने पापा जी ने खाली। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने रखे थे, किसी ने फेंक तो नहीं दिया। कोई नहीं, तुम काम करो। हाँ मतलब कि एक छोटा बेबी होने वाला है, यानी कि मुझे एक छोटा भाई या छोटी बहन होने वाली है, बहुत मजा आएगा। और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसको नहीं बताओगे। पक्का, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तुम्हें नहीं लगता कि चलो जाने दो। अरे मतलब बताओ ना। अरे वो इशिता आंटी का न्यू बेबी आएगा तो वो तुम्हें कम प्यार करेंगी ना, और वो न्यू बेबी को ज्यादा प्यार करेंगी, क्योंकि वो तो न्यू बेबी है। मतलब वो तुम्हें इतना प्यार करती है कि तुम
भूल ही जाते हो वो तुम्हारी रियल मम्मा नहीं है। किसने कहा मेरी रियल मम्मा नहीं है? मेरी रियल मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ मुझे पता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, और अगर न्यू बेबी आएगा तो वो उससे ज्यादा प्यार करेंगी ना, हर जगह ऐसा ही होता है। चलो छोड़ो बाय, मैं जाती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।